जाओ, तुम्हारा इंतजार था, आ जाओ आ जाओ। आपने सोचा कि हम वालदा सुल्तान से गद्दारी करेंगे उस्मान साहब? हम सिर्फ और सिर्फ वालिदा सुल्तान के वफादार हैं। ये ताकत हमें उन्होंने दी है। वालिदा सुल्तान पर एतमाद वतन से गद्दारी है। वालिदा सुल्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। अब भी तुम लोग चुन सकते हो हक का रास्ता। तख्त के वाहिद मालिक सुल्तान मसूद हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से बच जाएंगे उस्मान साहब? ये आपकी आखिरी बगावत है। हम आपको वालिदा सुल्तान के पास ले जाएंगे और इस सब से हमें फायदा होगा। आली सलजूक के अजीम कमानदारों, गफलत एक गहरा गढ़ा है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब कोई गिरता है बाहर निकलना मुश्किल होता है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ऐसा मत करो। नफ्स की नहीं, हक की तरफ बढ़ो। तो आप भी इस गद्दारी में शामिल हैं बाइंदर साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जाल तुमने बिछाया था उस्मान साहब? ये तुम्हारी गद्दारी का सबूत है। हम जानते हैं कि मसूद और कोनूर कहां हैं। वो मर चुके हैं। अगर तो फिर ऐसा है, आ जाओ फिर। हमला! वालदा सुल्तान के कमांडर उस्मान साहब की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे पास यहां है, क्या उन पर भरोसा कर सकते हैं सुल्तान? ऐसे हालात में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हमें छोड़ सकते हैं। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है सुल्तान। जिंदगी से बढ़कर रियासत है। देखते हैं हमारा नसीब क्या होगा। हमारी सफ और हमारा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है इंशाअल्लाह। लेकिन ये जान लें कि अगर कोई मरेगा तो पहली जान मेरी जाएगी। मेरे गिरने से पहले आप नहीं गिरेंगे। शुक्रिया। गद्दार मसूद और उसका मददगार कोनूर, गिरफ्तार करो इसे, जल्दी करो। Oh.
अब तुम्हें क्या लगता है आखिर कि तुमने धोखा दिया है हमें? हमें बहुत पहले से ही मालूम था कि तुम वफादार हो इस महान सुल्तान के। इन सरजमीनों पर अगर कोई जाल बिछा सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। वालदा सुल्तान आपसे इसका हिसाब लेंगी। मसूद और कनूर के पहले ही सर कलम किए जा चुके हैं, हमारी मौत से क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? बताओ ना क्यों? ताकि कोनिया इस महान सुल्तान के वफादार कमांडरों से साफ हो जाए, और कोनिया में जो कमांडर हैं सिर्फ और सिर्फ सुल्तान मसूद के एतमाद के रहे। तो कोनिया से तुम लोग यहां आकर वालिदा सुल्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ चुके हो। बाइंदर, इन सबको अपने साथ लो और गार की तरफ ले जाओ। इनके साथ अब क्या होगा इसका फैसला सुल्तान मसूद के तख्त पर बैठने के बाद किया जाएगा। जो आपका हुक्म। वालिद सुल्तान की तरफ जाओ फौरन, और वो करो जो कहा था मैंने। जो आपका हुक्म। इन्हें ले चलो। क्या हुआ? इनकी सजा क्या है बताइए। वालिदा, काजिया फंदी ने बेंगे खातून को 2 साल के लिए जिला वतन कर दिया है। वो जब तक यहां से चली नहीं जाती जिंदान में रहेंगी। वालिदा, बेटी मत रो मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी। मुझ पर गुस्सा ना होना। हटो बेटा। वालिदा, आलची सिख सुल्तान हजरत, ये वो गद्दार हैं जिन्होंने आपके तख्त पर नजरें जमाई और खूनरेजी की मंसूबा बंदी की। आपके गद्दार चचा मसूद और उस्मान का सिपाही कोनूर। चचा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने हमेशा आपको जिंदा रखना चाहा। आपके खिलाफ कभी नहीं था मैं। मेरा वाहिद मकसद रियासत की लंबी उम्र रही है। वालिदा, फाल देख रही हैं आप? देख रही हूं सुल्तान हजरत, देख रही हूं।
गद्दार उस्मान, सुल्तान हजरत के तख्त पर मसूद के साथ हमला करना चाहता था, इसीलिए मैंने खुसूसी मुहाफिज रखे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इनकी जरूरत नहीं रही। मसूद जिंदान में पुरअमन मौत मरने के बजाय आपने जाकर उस्मान से हाथ मिला लिया, और रियासत सलजूक को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सुनो, आपको लगता है कि नायमान से तावुन रियासत के मफाद में है, और तुर्कों और इस्लाम के खिलाफ मुहिम का क्या, और तुम अलाउद्दीन अपनी ही वालिदा को अपने ही ताबे करके सुल्तान का किरदार अदा नहीं कर रहे। तुम उन मंगोलों के साथ इत्तेहाद करो जिनके साए से हम छुटकारा पाने की सैकड़ों सालों से कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए? आप क्या सोचते हैं, ये उस्मान साहब से उनकी नफरत की वजह से? तुम्हारे उस्मान साहब वालिदा सुल्तान की नफरत के भी लायक नहीं। देखो तुमने क्या किया है, देखो तुमने क्या किया, क्या किया है तुमने। आप गुस्से में अंधी होकर दुश्मन के साथ काम कर रही हैं। नेमान ने कितने बहादुरों को मारा जानती है? खामोश। वालिदा सुल्तान, आपसे कोई मिलना चाहता है। वालिदा सुल्तान हजरत, हमने कोनिया शहर की उस जगह की निशानदेही कर ली है जहां उस्मान छुपा हुआ है। हर एक पर नजर रखी जा रही है, आपके हुक्म का इंतजार है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे जल्द से जल्द आपके पास लेकर आऊंगा। उसे फौरी तौर पर तलाश किया जाए। मुझे उसका जिंदा रहना किसी सूरत कबूल नहीं। बाइंदर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। वालिदा सुल्तान, जनाब हमें उस्मान मिल गया है। वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे इजाजत दीजिए, उस गद्दार को मैं आपके पास लेकर आऊंगा। और अगर खाली हाथ आए बाइंदर, तो तुम भी जिंदान में डाल दिए जाओगे। मैं उन सबको कोनिया के मैदान में लटकाऊंगी, और इसके बाद कोई भी कभी भी जिंदगी में बगावत के बारे में नहीं सोचेगा। जल्दी करो बाइंदर, उनकी हर सांस हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चाउंदर,
मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो याद रखना तुम्हें दर्दनाक अजियत दूंगी। सिपाहियों, कुमराल अब्दाल, कुमराल अब्दाल, कारबे, चेर कुताय, क्या हुआ? गरबा सिपाही। सिपाहियों, कुमराल अब्दाल को बुलाओ, इनकी हालत ठीक नहीं है। कारबे, 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 मदद कीजिए, आइए इधर आइए, मेरे भाई की मदद कीजिए, मेरा भाई मर रहा है, मदद कीजिए, मदद कीजिए। शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता। इसका जख्म गहरा लगता है, जल्दी से इसे अंदर ले जाओ, जख्म को साफ करने की जरूरत है। या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। तुम ठीक तो हो ना? जल्दी अंदर ले चलो। रुको चरकोताए, रुको, मेरा वक्त आ गया है। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ करना। नहीं नहीं, हमें अभी मस्जिद मिलकर खाना है, हमें मिलकर खाना है मेरे भाई, हमें मिलकर खाना है। नहीं अभी नहीं। क्या मैं मर गया? मैं खुद को मुर्दा महसूस नहीं कर रहा हूं। क्या मुर्दा इस तरह देखता है? ये एक तस्वीर है, तस्वीर। हेलो उठो भाई, मेरे भाई। क्या मर गया मैं? क्या मैं मर नहीं गया? नहीं मरे अभी। जर कोताए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारने जा रहे थे, पहले तुम खुद तो ठीक हो जाओ। आराम करो, आराम पहले ठीक हो जाओ, थोड़ा आराम करो। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। जब तुम ठीक हो जाओगे हम तब लड़ लेंगे। चलो इसे अकेला छोड़ दें, हमें काम है। क्या कहती हो तुम? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं मरा नहीं। कहाँ है वो सब? हुसैन, क्या तुमने वही किया जो मैंने तुम्हें खत में कहा था? हो गया जनाब। अच्छा, मुझे उम्मीद है, खुदा ना करे कि इसके बरक्स कुछ हो। वो आ रहे हैं। मेरे सरदार, सब कुछ तैयार है जैसे आपने कहा था। तैयार है लेकिन क्या? इसमें हाँ, उसने आली सलजूक के सबसे माहिर जंगजुओं का एक दस्ता मंगवाया है। ये मुहाफिजों का लश्कर सुल्तान के इख्तियार में रखा गया है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं।